हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल. इट्स हेल्थी ब्यूटी और मैं श्रद्धा. कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे. एक्चुअली अभी थोड़े टाइम पहले ही एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जो कि है ऑरियल पैरिस का क्रिस्टल माइक्रो एसेंस करके एक सीरम निकला है. बहुत सारे रिव्यूज देखे, पढ़ा मैंने उसके बारे में और लोगों के रिव्यूज देखे, तो कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज दिए, तो सोचा कि मैं भी इसको यूज करके देखूं और आपके साथ अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं. मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये जो मैंने परचेस करी थी, देखिए आप इस तरीके से ऑलमोस्ट कंप्लीट फिनिश हो चुकी है. आप देख सकते हैं इसमें जस्ट थोड़ा सा ही बचा है. और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3 quantities अवेलेबल हैं आपको डिफरेंट प्राइस पर. जैसे कि एक 22 ml की जो बॉटल है वो 250 में अवेलेबल है, उसके बाद 650 की 800 एंड देन 330 की नियर 1400 समथिंग की है. ठीक है, तो इस तरीके से अवेलेबल है. उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो सिरम में बताया गया है कि ये क्रिस्टल क्लियर स्किन कर देती है कुछ ही दिन यूज करने से. आपने इसके काफी एड भी देखे होंगे, अभी टीवी पे काफी एड चल रहे हैं जिसमें बोलते हैं कि आपका फेस ब्राइट हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा बहुत ज्यादा. तो देखते हैं, मैं आपको अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि आप जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इतनी क्वांटिटी यूज कर ली है तो मुझे क्या अपने फेस में चेंजेस दिखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि देखिए होता क्या है कि ये बहुत अच्छी कंपनी का नाम है कि हम जानते हैं कि ऑरियल पैरिस मतलब एक बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छे ब्रांड का नाम है. तो कई लोग ऐसा हम लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा ब्रांड है तो मतलब इसका प्रोडक्ट जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा और आंख बंद करके हमको ले लेना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए. पर क्या सच में जो बड़े ब्रांड होते हैं उनके हर प्रोडक्ट अच्छे प्रोडक्ट जो होता है वो सही में वो रिजल्ट्स दे पाता है? क्या ऐसा होता है? तो चलिए देखते हैं. अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि मुझे इसके क्या चीज, मैंने इसको जब यूज किया तो मुझे क्या चेंजेस दिखाई दिए अपने फेस पे. तो जैसे कि इसमें कहा गया है कि स्मूथिंग, नीचे आपको इसमें डिस्क्राइब किया है कि आपकी स्किन को सॉफ्ट बना देता है. आप इसको इसमें जो लगाने का तरीका है, आप मॉर्निंग टाइम में और नाइट टाइम में दो टाइम आपको यूज करना है. आफ्टर फेस वॉश आप इसको अप्लाई कर लीजिए, देन उसके बाद इफ यू नीड टू अप्लाई मॉइस्चराइजर तो आप अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं, और डे टाइम में है तो आप उसके बाद अपना सनस्क्रीन लोशन अप्लाई कर सकते हैं. मैंने जब इसको अप्लाई किया फेस वॉश के बाद, तो सच बोलूं तो मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ी. यह आपकी स्किन को ऐसे ही मॉइस्चराइज कर देता है. मतलब अभी सीजन चेंज हो रहा था तो भी मतलब स्किन खिची खिची नहीं रहती थी, काफी सॉफ्ट रहती थी. उसके बाद ये पिगमेंटेशंस, उसके बाद जैसे कि पैचेस हो जाते हैं, ड्राइनेस पैचेस, ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं हुई इस सीरम के थ्रू. फिर कभी 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 क्या होता है कि हमारे फेस पे कभी पिंपल होने लगता है, बट सच बोलूं अभी जितने दिन से इसको मैं यूज कर रही हूं मुझे कहीं पे भी पिंपल नहीं हुआ, कोई दाना सा नहीं उठा. मतलब मेरा फेस जो था काफी सॉफ्ट और मुझे स्मूथ लगा. ठीक है, मतलब एक क्लीन भी दिख रहा था कि हाँ क्लीन हो गई है मेरी स्किन. बट अब अगर यहां पर बात की जाए रेडियंस की, ब्राइटनेस की, ग्लो की, तो मुझे इस चीज में कोई चेंजेस नहीं दिखे. मेरी स्किन का जो कलर था, स्किन टोन जिस कलर की थी मुझे वैसे ही लगी, कोई चेंज नहीं लगा. साथ में इसमें ग्लो की बात की जाती है तो कोई बहुत ज्यादा ग्लो नहीं दिखाई दिया मुझे, इस तरीके का कोई भी रिजल्ट नहीं मिला. तो ये मैं आपके साथ पर्सनली अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं. हो सकता है कि आप इसको यूज करें तो आपकी स्किन पे ये बहुत अच्छे से सूट करे. तो ये चीज मैं नहीं बोलूंगी कि सबके स्किन के लिए ही एक जैसा होता है, बट मेरे साथ जो हुआ वो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया. तो इस तरीके से आप चाहें तो आप इसकी छोटी क्वांटिटी की जो बॉटल होती है, जो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 250 रुपीज की जो है, इट्स रीजनेबल, तो आप इसको परचेस करके एक बार यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी स्किन पे ये किस तरीके का सूट कर रहा है. हो सकता है आपकी स्किन पे काफी अच्छा ग्लो दिखे और आपकी स्किन टोन जो है कुछ शेड्स लाइटर हो जाए.
बट मुझे तो ऐसा रिजल्ट नहीं मिला। बाकी अगर ये बात की जाए कि आपकी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ हो गई, क्लियर हो गई, तो हाँ ये चीज थी। बाकी ब्राइटनेस मुझे नहीं लगी और उसके बाद मुझे ग्लो भी ऐसा बहुत नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो ये था मेरा आज का ट्रुथ रिव्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किया। होप करती हूँ कि काफी कुछ आपको मैंने इस रिव्यू के थ्रू सेटिस्फेक्शन दिया हो, कि आपको जो जानना चाहते थे आप वो मैंने आपको इस रिव्यू से फुलफिल किया हो। आप चाहें तो आप परचेस कर लीजिए, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं इस चीज में कोई फोर्स नहीं करूंगी कि खरीदना है कि नहीं खरीदना चाहिए आपको। तो ये था मेरा आज का वीडियो, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।